हेलो दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव आज आप सभी के साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बासमती चावल को ले करके आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम चावल को अच्छे से धो लेंगे। करीब 2-3 बार पानी से चावलों को अच्छे से हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम इन चावलों को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी सारा निकाल दिया है। इसके बाद मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें करीब 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल पानी में डाल देंगे। पानी को जब हम देखेंगे अच्छे से बॉईल हो गया है, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे और इन चावलों को पकने तक हम इसे जो है उबालेंगे। ध्यान दें कि हम चावल को ज़्यादा अधिक नहीं पकाएंगे। यहाँ मैंने जो है कुछ सब्जियाँ काट करके ले ली हैं, जिनमें है हरी मिर्च है, एक मीडियम साइज़ टमाटर है, पत्ता गोभी है, 100 ग्राम मटर है और 150 ग्राम पनीर है, 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर है और करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और धनिया पत्ता है। इसके बाद मैंने एक पैन में करीब 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल गर्म किया है और इसमें मैंने जीरा तड़कने के लिए डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर दिया है। जो चावल हमने बॉईल किए थे उन चावलों को हम बॉईल होने के बाद पानी से, ठंडे पानी से धो लेंगे और इनको छानने के लिए धो करके मतलब छान देंगे, जिससे इनकी ओवर कुकिंग नहीं होगी और हमारे चावल जो है अच्छे से बिखरे बिखरे खिले खिले हो जाएंगे। फिर मैंने यहीं पर इसमें गाजर ऐड कर दी है। सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे और ना ही हम इन्हें धीमी आंच पर पकाएंगे, बिल्कुल हाई टू मीडियम आंच पर, फ्लेम पर हम इसे जो है कुक करेंगे। तो ये मैंने गाजर को डाल करके अच्छे से यहाँ पर इसे फ्राई कर लिया है। गाजर के बाद मैंने थोड़ी 100 ग्राम के करीब फ्रोज़न मटर ले रखी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।